सो मैं 6-7 साल की थी जब मेरी मम्मा somehow उनको पता नहीं कैसे रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी ये गाने वाने का शौक़ रखती है. हमेशा से चाहते थे कि मैं कीर्तन वगैरह करूँ जैसे दूसरे और लोग करते हैं, तो वो मुझे प्रिपेयर कराते थे. बट हर बारी जब वो मुझे प्रिपेयर कराते थे, मुझसे बोलते थे कि परफॉर्म करो, तो मैं हर बारी मना कर देती थी. फिर एक मौका ऐसा आया जब उन्होंने मुझे बोला कि अब जाके आपको परफॉर्म करना है. एंड मैं, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि मैं क्राउड को कैसे फेस करूँगी, पब्लिक को कैसे फेस करूँगी, तब से थोड़ी हिम्मत बढ़ी एंड फिर मैं कीर्तन वगैरह करने लगी. बट मेरे स्कूल वालों को कभी पता नहीं था कि मैं गाना भी गाती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बहुत शाय थी तो लोग आके मम्मी पापा को बोलते थे और मुझे बोलते थे, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. जब मेरा पहला क्राउड इंटरेक्शन था, हमारे इधर एक मॉल था, वहाँ पे तीनों फ्लोर्स जो थे मतलब टच आ टच भरे हुए थे. जब गाना शुरू किया तो बीट्स अलग जा रही थी, मेरा गाना अलग जा रहा था एंड देयर वाज नो रिएक्शन. किसी ने क्लैप भी नहीं किया, कुछ समझ नहीं आया. रात को बहुत रोई, बहुत रोई और सोचा कि अब तो नहीं गाऊंगी, अब नहीं हो पाएगा मुझसे. मतलब एक कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना. बट ये जो वक्त था, इस समय मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी. तो बोले कि ठीक है यार, हो जाता है, पहला मौका था. एंड वो एज ही ऐसी होती है जब हमें लगता है कि शायद हमें कोई नहीं समझ पाता एंड हम अपने आप को, चीज़ों को जज करने लगते हैं. एक कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट किया एंड जब परफॉर्म करने का मौका मिला एक बड़े क्राउड के सामने, किसी ने एकदम ज़ोर से बोला कि अरे यार, ये मोटी क्या गाएगी. मैंने गाना शुरू किया कुछ भी बिना सोचे, शायद एक लाइन भी कंप्लीट नहीं हुई थी एंड द क्राउड स्टार्टेड क्लैपिंग एंड देयर वाज. म्यूज़िक जो था, इसने मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लाए. और हर कोई स्ट्रगल करता है बट सामने वाला नहीं जानता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. पीपल जस्ट कमेंट. जब ये सब होने लगे ना कि आवाज़ सुन के लोग बोलते थे नहीं यार ये ही है, एंड यू नो पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग माई फ्रेंड्स, माई फैमिली. क्योंकि हम सब के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया होता है. इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट एंड यू नो ये मौका नहीं छोड़ने का कि हमें लाइफ में रिग्रेट होए कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती. तो सोचा कि अब क्या क्या ऐसी चीज़ें जो खुशी देती है, और वो थी सिंगिंग. तो आई अप्लाइड बहुत सारी जगह एंड समहाउ आई गॉट इंटर्नशिप इन अ रेडियो चैनल. मैं चाहती थी कि मेरी आवाज़ जो है, लोग मुझे मेरी आवाज़ से पहचाने. तो मुझे लास्ट ही पता चला कि यार ये कुछ कॉम्पिटिशन है. मामा को बताया, शी वॉज लाइक कि रिकॉर्ड करके भेज दो. एंड आई वॉज लाइक कि डूड, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, मेरा कहाँ से होगा, कैसे होगा. हमने आधे घंटे में ये गाना रिकॉर्ड किया एंड भेज दिया एंड सब कुछ मतलब गो विद द फ्लो हो रहा था. कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, सोचा नहीं था कभी कि टीवी पे आने का मौका मिलेगा. क्योंकि बचपन में जब टीवी में देखा करते थे तो लगता था कि हमें भी कभी ऐसा मौका मिले. पैराशूट जैस्मिन ने हमें ये चांस दिया. So I'm really thankful and looking forward to it.